हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज सैटरडे शनिवार 1 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 24। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो बच्चों, हमेशा की तरह सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम भर लेना है। उसके बाद जो भी आपके कक्षा अध्यापक हैं उनका नाम आप इस जगह पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया हुआ है। आज की वर्कशीट में हमें एक राखी की पिक्चर हमें दी गई है और इसी के आधार पर हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें इस वर्कशीट में देना है। तो चलिए इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में किस किस सामान का प्रयोग किया गया है, लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊपर ये जो राखी का चित्र आपको दिया गया है इसको बनाने के लिए किस किस सामान का प्रयोग किया गया है, और आपको लगभग यहाँ पर 8 सामान लिखने हैं जिनका प्रयोग करके ऊपर पिक्चर में दी गई राखी बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, जिसमें पहला है आपका धागा, दूसरा है मोती, तीसरा है रेशम, चौथा है सितारे, पांचवा है लेस, छठा है गोंद, सातवां है नग, और आठवां या तो आप स्पंज लिख सकते हैं या फिर आप कागज लिख सकते हैं। कागज क्या होता है, जो कलरफुल कागज हम राखी का बेस बनाने के लिए यूज करते हैं, उस कागज की बात हो रही है। तो ये 8 चीजें हैं, आप यहाँ पर दिए हुए स्पेस में आप इन सब चीजों को लिख लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमें क्वेश्चन किया गया है कि दिए गए स्थान में अपनी पसंद की राखी का डिजाइन बनाकर रंग भरिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक राखी का डिजाइन बनाना है और उसमें अपने पसंद की कलर करने हैं, ठीक है। और राखी हमें कहाँ पर बनानी है, हमें यहाँ पर जो जगह दी गई है हमें इसके अंदर ही राखी का डिजाइन बनाना है और उसमें कलरफुल करने हैं, ठीक है। और इसके आंसर में मैंने एक डिजाइन खुद से दिया हुआ है, आप इस डिजाइन को भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर अपनी मनपसंद का कोई डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप ये वाला डिजाइन बना रहे हैं तो कोशिश करिए जो इसके अंदर कलर यूज हुए हैं वो आप ना यूज करके अपनी साइड से कोई कलर जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये जो डिजाइन है इसके अंदर ही आप कुछ बदलाव करके अपना खुद का एक डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वर्कशीट का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन कि इस वर्ष राखी का त्योहार आप कैसे मनाएंगे, सोचकर लिखिए। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस साल आप राखी का त्योहार किस प्रकार से बनाने वाले हैं, तो आप इसमें अपने विचार भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने एक आंसर फिलहाल इसके लिए दे दिया है। तो देखते हैं आंसर कि रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट बंधन का त्योहार है, मुझे पूरे साल इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वर्ष भी मैं अपनी बहन के साथ ये त्योहार मनाऊंगा, हम दोनों मिलकर माँ के साथ घर पर ही इस त्योहार की तैयारियां करेंगे और घर पर ही त्योहार का आनंद लेंगे। तो बच्चों, जैसे आप हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हो, ठीक है, लेकिन इस साल थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हो अभी कोरोना वायरस भारत से पूरी तरह से नहीं गया है। तो आपको रक्षाबंधन के त्योहार में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, आपको यह त्योहार घर पर ही मनाना है। साथ में आपको कोशिश करनी है कि आप बाहर से कुछ भी पकवान या कुछ ऐसी चीज ना खरीदें, ठीक है। आप राखी भी घर पे बना सकते हैं और आप पकवान भी सारे घर पे बना सकते हैं। तो आप घर पर ही सब कुछ बनाइए और इस त्योहार का घर पर ही आनंद लीजिए, ठीक है। तो यही थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। और हाँ, आप ये वर्कशीट अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें, और ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ आपसे मंडे एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।